नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिले के पान सेमल जनपद पंचायत में ग्राम मतराला के ग्रामीण मजदूरी की राशि में अनियमितता की शिकायत लेकर जिला मुख्यालय बड़वानी में जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उनके द्वारा लिखित में शिकायत देकर बड़वानी कलेक्टर को सुनवाई में शिकायत आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि उनके ग्राम पंचायत के निवासियों के फर्जी नाम के आधार पर राशि निकाली गई है, जबकि वे इस दौरान कार्य करने नहीं गए और जो मजदूर कार्य करने गए उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही है। यहां उपस्थित मतराला के ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रकार की अनियमितता की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार होने पर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीण जन मौजूद रहे। अरे तुम उसको नहीं कहते हैं। कौन कौन कितने लोग हैं? बेटा अकेला सिंगल आ गया। एक भाई गाइडिंग का लो सेंजी।
आपका नाम? हीरा ठाकुर, ग्राम पंचायत मंत्रालय तहसील पानसमल से सर, उप सरपंच से प्रतिनिधि हूँ सर। अच्छा, यहाँ बड़वानी कलेक्टर जन सुनवाई में आप किस लिए आए? सर बड़वानी जन सुनवाई में इसलिए आए सर कि हमारे मंत्रालय पंचायत में खेत तालाब का कार्य किया गया था मजदूरों द्वारा, तो आज दिनांक तक उनको कुछ मजदूरों को राशि मिली, कुछ मजदूरों को, बहुत सारे मजदूरों को राशि नहीं मिली सर उसमें, और जो मजदूर अन्य जगह पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी मस्टर चलाए जा रहे हैं और उनको फर्जी हाजिरी उनके तरीके से दिए जा रहे हैं सर। तो इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जैसे पानसमल क्षेत्र में आपने शिकायत करी थी, एसडीएम वगैरह किसी को नहीं? पानसमल क्षेत्र में जनपद में सीओ के पास हमने सर कई बार आवेदन दे चुके हैं और कई बार सुनवाई में उन्होंने बताया सर हमारे को, पर आज दिनांक तक उसका निराकरण नहीं हुआ सर। तो आज इस संबंध में जो है आप जन सुनवाई किससे मिले? हम अभी जन सुनवाई में आवेदन अभी कलेक्टर सर को महोदय को दिया था, अभी उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे, जांच के उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसके इसके अतिरिक्त तो और भी कोई अनियमितता हुई जैसे पंचायत के अंदर? हाँ, इसमें सर अभी एक डैम बनाया गया था स्टाफ डैम, उसमें करीबन 10,76,000 की राशि का जो लागत है उसमें सर, और उसमें बहुत से ऐसा अनियमितता पाई गई है कि उन्होंने उनके द्वारा ठेकेदारों के द्वारा कई बहुत से बड़े 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 पत्थर डाल के उसमें अंदर काम डाले गए थे उसमें सर, तो उसमें घटिया निर्माण बहुत सारा हुआ सर। इस संबंध में शिकायत करी थी आपने? उस संबंध में भी शिकायत हमने सीओ के दी है सर, तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी आज तक? अभी तक सुनवाई नहीं हुई सर, वो बोले कि हम जांच कराएंगे उसकी भी। और सर अपने मुख्य प्रधानमंत्री आवास में भी ऐसे कई अपात्र लोगों को इन्होंने आवास दिया है सर, और जो वास्तविक में पात्र है, हितग्राही है, उनके नाम जरा पोर्टल से हटा दिए गए और उनके नाम काट दिए गए सर। तो इसमें जो है सचिव भी है सर? हाँ सर, सचिव के द्वारा जैसे कि कोई पैसों की डिमांड लगा के, तो ऐसे फर्जी लोगों को, अपात्र लोगों को भी उन्होंने आवास दिया है सर। अच्छा, सचिव जो है कितने वर्षों से वहाँ पर वो जब है पंचायत सचिव और सहायक सचिव के पहले जो वास्तविक में स्थायी थे उन लोगों को ऐसे अनियमितता के कारण उनको भी हटाया गया था। हाँ। उसके बाद में जो भगवान दास सिंधवेकर को हमारे पंचायत में नियुक्त किया गया था उनको प्रभार दिया गया सर, तो उनके द्वारा टोटल अभी मनरेगा में ऐसे काम चल रहे, लूज बोल्डर है, चेक डैम है, निस्तार तालाब है, ऐसे अन्य कई कार्य है, तो उनमें है बहुत से लोगों को जो बाहर व्यक्ति काम कर रहा है अन्य जगह पे, उन लोगों के टोटल मजदूरी हाजिरी भर के वो फर्जी तरीके से निकाल के गबन राशि करे जा रही सर उसमें। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चौहान, ग्राम मंत्रालय में लोक जन कल्याण समिति का ब्लॉक सचिव हूँ, और हमारे ग्राम मंत्रालय में सामुदायिक खेत तालाब 2022 में काम चालू हुआ था, और उसमें जो लोग काम किया था उनकी राशि नहीं मिली, बाकी लोगों को मिल गई, और अक्टूबर माह में काम बंद था और उनको भुगतान किया गया, जो लोग नहीं गए थे उनको मजदूरी नहीं गए उनका वो भुगतान कर जाए। हाँ, तो इस प्रकार कुल कितने लोग होंगे संभावित, कितने के लगभग होंगे? उसमें तो कम से कम 30 से 40 से 50 के कम से कम होंगे। क्या किसके कार्यकाल में हुआ ये? सरपंच सचिव कौन था? ये सचिव था भगवान दास सिंधेकर और सरपंच था सुनील सेवा जादो। अच्छा, सहायक सचिव भी था इसमें? नहीं, सिर्फ सचिव था मतलब। हाँ सचिव। इसके इसके अतिरिक्त और कहीं कोई अनियमितता हुई हो? और मैं 2022 या 23 में काम करने गया था मैं वास्तविक में, तो मेरी वही काम पे तो वो राशि नहीं मिली, और परजन लगी है 4 दिन 7 दिन काम करने गया मैं, और मेरी मिसेस का भी है 7 दिन का है, और उसमें 4 दिन का भुगतान हुआ उसका, मेरा तो भुगतान ही नहीं हुआ। इस संबंध में तुमने वहाँ शिकायत करी थी जनपद में? बिल्कुल दी थी शिकायत, सीओ साहब को जांच करेंगे बोले, कई बार दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।